वेल गाइस, जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहाँ पे 15,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो मुझे 15 का जो अभी यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड से। यानी दोस्तों, पैन कार्ड आधार कार्ड से KYC कंप्लीट किया और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं 15,000 के मैं लोन लेके एलिजिबल हूँ। दोस्तों, अगर आपका वैस मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन कार्ड आधार कार्ड है, ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको ओनली फॉर KYC करके लोन मिलता है। दोस्तों, इसमें कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सभी कुछ हम आज की इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करते हो और एक भी ट्रिक आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे दिए हुए लिंक से जैसा आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, उसके ठीक सामने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेंड OTP। तो यहाँ सबको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आप जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड यहाँ पे कराओगे उसी मोबाइल नंबर 6 अंक का OTP आएगा। तो नीचे आप एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंटर OTP। तो यहाँ से अपना OTP इंटर करके नीचे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ सबको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके मैं सेंड OTP वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपना OTP इंटर करके मैं ऐसे लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। उसका तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आता है आधार नंबर। तो यहाँ पर आधार कर 12 डिजिट का नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, फिर आपको उसके ठीक सामने को आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेंड OTP। तो यहाँ सबको सेंड OTP वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे अपने आधार कार्ड नंबर इंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो OTP आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटर OTP। तो आपको इस बॉक्स में OTP इंटर करके नीचे वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेता हूं। तो आप भी अपने आधार कार्ड को सेम इसी प्रकार से वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे वहां से अपने आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पर आता है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। दोस्तों, अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पर सेट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दो कि अगर आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो तो यहाँ से आप सैलरीड पर्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है या मजदूर हो दोस्तों, तो आप यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उससे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना कोई सा एक ईमेल आईडी आप इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, अगर आप यहाँ अगर सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अपने कंपनी का नाम इंटर कर लीजिएगा, आप कौन से कंपनी में जॉब करते हो। उसका दोस्तों, यहाँ पर आता है कंपनी फुल एड्रेस। यानी कि दोस्तों, आप जहाँ जॉब करते हो जो भी कंपनी में, वहाँ का फुल एड्रेस क्या है, उसका दोस्तों आपका मंथली इनकम कितना है, यानी कि दोस्तों महीना में आप कितना कमा लेते हो, उसका दोस्तों आप देख सकते हो। यहाँ पर आता है अपलोड योर 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, अब आपको लोन एप्लीकेशन को अपना बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से अगर सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बैंक स्टेटमेंट्स अगर आप यहाँ से अपलोड करते हो तो फिर नीचे आता है सैलरी डॉक्यूमेंट पासवर्ड। यानी कि दोस्तों, अगर आप कोई PDF अगर यहाँ से अपलोड करते हो तो उसका और कोई पासवर्ड है, तो यहाँ से वो पासवर्ड इंटर करके नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चले दोस्तों, मैं इसी प्रकार से अपना सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देता हूँ। यानी दोस्तों, इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे इंटर करके मैं यहाँ से अपना वर्क डिटेल्स इंटर करके मैं नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से अपना वर्क डिटेल्स दे दोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना है। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों यहाँ पे वो 4 देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ही देना है, फर्स्ट और सेकंड में आप दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों, आप मन हुआ था 3 और 4 में भी दे सकते हो, लेकिन दोस्तों यह 3-4 ऑप्शनल है। अगर आपको मन है तो दे भी सकते, अगर आपको मन नहीं है दोस्तों यहाँ से नहीं दीजिएगा। दोस्तों, आपको मतलब इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको देना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर में आप किसी का भी 2 नंबर यहाँ पे इंटर करके नीचे सेव डिटेल्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आज आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि अब आपका अपना बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। यानी दोस्तों, आप जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हो वही बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पैन कार्ड के 10 डिजिट का नंबर इंटर कर लीजिएगा, फिर उसके ठीक सामने का वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने पैन कार्ड से वेरीफाई कर लेना है। उसका दोस्तों, यहाँ पर आता है बेनिफिशियरी नेम। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों, यहाँ पर आता है सेलेक्ट बैंक। यानी दोस्तों, आपका जो अकाउंट है कौन से बैंक में वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, यहाँ
पाते हैं अकाउंट नंबर, तो यहाँ से अपने बैंक यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आता है कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर इंटर करके फिर दोस्तों नीचे आएगा बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड, यानी कि दोस्तों आप जो बैंक में आपका जो अकाउंट है उस बैंक का जो भी आईएफएससी कोड होगा वो आईएफएससी कोड इंटर करके नीचे सेव डिटेल्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना बैंक डिटेल्स में यहाँ से इंटर करके मैं सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसा आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप लोन एप्लीकेशन को आपका एक अपना एक सेल्फी यहाँ से प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन कैमरा का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ओपन कैमरा वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, उसका दोस्तों अपना एक अच्छा से क्लियर से एक सेल्फी आप अपलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों सेल्फी अपलोड करने से पहले यहाँ पर वो तीन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों काफी सारे लोगों का होता क्या है कि जब भी लोन अप्लाई करने जाते हैं कोई भी लोन एप्लीकेशन के अंदर तो वहां पर उनका सेल्फी रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी कारण यह है कि आप तीन बातों का बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हो। दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने सर पे कोई भी टोपी यहाँ पे नहीं पहनना है, उसका दोस्तों आपको चश्मा नहीं पहनना है एंड मास्क नहीं पहनना है। ये तीन बातों का ध्यान रखते हुए रोशनी वाले जगह पे जाकर, और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों व्हाइट दीवार होना चाहिए, या दोस्तों आपको अच्छे से जगह पे जाकर अच्छा से क्लियर से एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अच्छा से क्लियर से एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करके नीचे सेव डिटेल्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि दोस्तों आपका जो भी डिटेल्स अभी दिए हो वो अभी पेंडिंग में है, वो आपका वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए जो भी लोन ऑफर यहाँ पे मतलब होगा दोस्तों वो लोन ऑफर को बता देगा कि आप कितना लोन के एलिजिबल हो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 घंटा से लेकर 48 घंटा यहाँ पे वेट करना है, लेकिन दोस्तों ये 24 से 48 घंटा ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका वेरीफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, 10 से 15 मिनट के लिए आपको इस लोन एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं 10 से 15 मिनट के लिए इस लोन एप्लीकेशन के अंदर वेट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने वहां से 10 से 12 मिनट वेट किया उसका दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है कांग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल इज अप्रूवल, यानी कि दोस्तों प्रोफाइल यहाँ से अप्रूवल है लोन लेने के लिए जो देख सकते हो। और मेरे यहाँ पे काफी सारा लोन यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं 5,000 का लोन लेता हूँ 10 दिन के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो 6,000 के मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ 10 दिन के लिए, 7,000 के मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ 10 दिन के लिए, और 8,000 के मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ 10 दिन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मैं 14,000 का लोन ले सकता हूँ 14 दिन के लिए, 15,000 का मुझे यहाँ पे लोन मिलेगा 14 दिन के लिए, और 16,000 का लोन मुझे 18 दिन के लिए मिलेगा, और 17,000 का लोन मेरे लिए यहाँ से लॉक है। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ से मिनिमम 5,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम यहाँ से 16,000 तक मैं लोन ले सकता हूँ। दोस्तों अब आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा वो आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों तो अब आपको यहाँ से लोन लेने का वो करना क्या पड़ेगा, दोस्तों सबसे पहले अपना देख लीजिएगा कितना लोन चाहिए और कितना दिन का आपको लोन मिल रहा है, सबसे पहले वो देख लेना उतना दिन में आप रिपेमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, पहले वो अपना देख लीजिए तभी आप यहाँ से लोन अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं 15 का मैं यहाँ से लोन लूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 का लोन लेने का वो करना क्या पड़ेगा, उसके ठीक नीचे वो अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो अप्लाई वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप के इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 15 का मेरा यहाँ पे लोन अमाउंट आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका लोन का भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं 15 का लोन लेता हूँ तो इंटरेस्ट मेरा जो बनेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 14 दिन के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 600 रुपए मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा, कन्वर्सिव फी मुझे 1200 रुपए यहाँ पर देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस मुझे यहाँ पर 1800 रुपए देना पड़ेगा, जीएसटी 540 रुपए देना पड़ेगा, और यह जो लोन अमाउंट दोस्तों यहाँ मुझे 14 दिन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, और मेरे अकाउंट में जो पैसा डिसबर्स किया जाएगा 10,860 रुपया, यानी दोस्तों प्रोसेसिंग प्लस जीएसटी एंड इंटरेस्ट एंड कन्वर्सिव भी पहले ही काट लेंगे, फिर जो काट के बचेगा आपके बैंक से पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी काफी सारे लोग अभी सोच क्या होंगे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज भी आपको लग रहा है, कन्वर्सिव भी प्रोसेसिंग भी सभी कुछ ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहां से आप कम इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों काफी मिनिमम कम इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लोन मिलेगा, तो वो कौन सा लोन एप्लीकेशन मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों कि यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि अगर आप यहाँ से 14 दिन का आपको टाइम मिला, अगर आप 15 दिन में अगर आप रिपेमेंट करने जाते हो तो पर डे आपको 450 रुपए यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों अगर एक दिन लेट होता है रिपेमेंट करने में तो 450 रुपए को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर दो दिन लेट होता है फिर आपको 450, यानी दोस्तों दो दिन में आपको 900 रुपए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। दोस्तों ये पहले देख लीजिएगा, फिर नीचे को अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप देख सकते हो डिसबर्स पेंडिंग में जा चुका है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 घंटा से लेकर 12 घंटा के अंदर में आपके बैंक में अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सभी कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंट फंड इंस्टेंट लोन ऐप, जो दोस्तों यहाँ प्ले स्टोर पर अवेलेबल, आप जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे इंस्टेंट फंड सर्च करोगे यह लोन
एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी काफी सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप कम इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ओनली फॉर KYC करके लोन लेना दोस्तों और वो भी मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 1,00,000 का, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 15 लोन एप्लीकेशन का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन नहीं लेना दोस्तों, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3-4 लोन एप्लीकेशन का भी मैं लिंक दे दूंगा। तो आप जाकर उन 3-4 लोन एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 3-4 लोन एप्लीकेशन के अंदर भी दोस्तों आपको ओनली फॉर KYC करके लोन मिलता है, वहाँ पर कोई भी सैलरी आपको अपलोड नहीं करना है। तो दोस्तों आप जाकर उन 3-4 लोन एप्लीकेशन का भी जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि आप वहाँ से लोन अप्लाई करने जाना, और मैं वहाँ से गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि वहाँ आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट के साथ ही आपको लोन मिलेगा। अगर आपको मन है तो आप इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।